हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्रिकेट मेरी जानती है सर कप्रभा भट्टाचार्य। तो आज इंडिया ने अपना पहला प्रैक्टिस मैच खेला ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट एंड जो होस्ट है इस T20 वर्ल्ड कप में, और बहुत ही खुश हूँ एज एन इंडियन फैन, बिकॉज जो हमने एक्सपेक्ट किया था कि पहले बैटिंग करके जीतना। अब देखिए, पहले बैटिंग करके जितना कंडीशंस डिफरेंट होते हैं, जैसे कि मैंने अपने पिछले वीडियोस में भी बताया कि ऑस्ट्रेलिया में जाने के बाद इक्वेशन पूरा डिफरेंट हो जाएगा। अब ऑस्ट्रेलिया में जाने के बाद इक्वेशन पूरा डिफरेंट होने का एक बेसिक सा कारण बनता है, क्योंकि ग्राउंड्स के डायमेंशंस पर है। बाउंस अनइवन नहीं होगा, बाउंस एक इवन बाउंस होगा लेकिन ज़्यादा होगा, फास्ट पिचेस होगा। तो पेस जिसको ज़्यादा पसंद है खेलने में, एक्चुअली ऑस्ट्रेलिया में लैटरल मूवमेंट बंद हो चुका है। साउथ अफ्रीकन पिचेस और ऑस्ट्रेलियन पिचेस में यही डिफरेंस है कि लैटरल मूवमेंट पहले ऑस्ट्रेलियन पिचेस में मिलता था, अब T20 में तो और भी नहीं मिलेगा। इवन टेस्ट मैच में भी आजकल बहुत कम मिलने लगा है। तो वही एक्सपेक्ट किया था, जो बॉल बैट पे बहुत अच्छे से आएगा, जो पुल हुक अच्छा खेलते हैं, जो पेस पसंद करते हैं अच्छे से खेलेंगे। तो KL राहुल एज एक्सपेक्टेड, जो पूरा मतलब ही वॉज बैटिंग लाइक ए ड्रीम एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। रोहित शर्मा को तो स्ट्राइक ही नहीं मिल रहा था। रोहित शर्मा आज उतना मतलब वो फ्लॉप रहे, एक्चुअली उनको स्ट्राइक भी नहीं मिला। उनका फॉर्म में आना बहुत इंपॉर्टेंट है टूर्नामेंट के परस्पेक्टिव में, इंडिया के परस्पेक्टिव में, मतलब इस टूर्नामेंट में। बट सेंसेशनल शमी, वो जो लास्ट ओवर था, इट वॉज लाइक ए क्लाइमैक्स। मैं बाकी चैनल्स भी देख रहा था कि इट वॉज नॉट एक्सपेक्टेड दैट शमी बॉल करेंगे। तो वार्म अप मैच में जो हम लोग के पास लग्जरी है उसको यूज़ किया गया। अर्शदीप इज़ ए कंसर्न। अब बात है कि अश्विन को इंडिया बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहा है। अब अश्विन को यूज़ करने का मेन कारण क्या है? पहली बात, बॉलिंग से ज़्यादा इंडिया का बैटिंग। अश्विन का जो 6 रन था, इट वॉज इम्पॉर्टेंट। हम बोलेंगे आप एक UCL इज़ मच मोर इफेक्टिव देन अश्विन, लेकिन अब बात ये है कि अश्विन मतलब T20 क्रिकेट ऐसा हो गया है कि आप जितना 3D बन सकते उतना अच्छा, और अश्विन इज़ अ प्रॉपर बॉलर ऑल्सो, तो ये अभी कॉम्पिटिशन उसके बीच में भी होगा। और अक्षर पटेल का प्लेस ऐसा नहीं है कि टेकन फॉर ग्रांटेड है कि जडेजा नहीं तो वो खेलेंगे, उनको बैटिंग में दिखाना पड़ेगा अपना मतलब वो किस शैली के, वो बहुत उनका पोटेंशियल है लेकिन उनको वो प्रूफ करना पड़ेगा और परफॉर्मेंस डिलीवर करना पड़ेगा, बिकॉज वो बहुत एक क्रूशियल पोजीशन पे बैट करते हैं। इवन दिनेश कार्तिक के पहले उनको बोला जाता है। तो जडेजा होने से ही, जडेजा का बैटिंग में वॉइड फील करना बहुत हार्ड है, बॉलिंग में उनका एक रोल होगा। बट मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ पे UCL और अश्विन में ये देखा जाएगा। तो अगला मैच में आई गेस UCL खेलेंगे, अश्विन नहीं खेलेंगे, और देखा जाएगा कि किसको इंडिया प्रेफर करेगा पहला मैच में स्टार्ट करने से पहले। अब पाकिस्तान की टीम में लेफ्ट हैंडर्स कितने हैं उसको इक्वेट करके रख के, मेरे को लगता है पाकिस्तान के मैच में वो लास्ट टाइम भी आपके लेफ्ट हैंडर ही प्रॉब्लम करते हैं, और रिजवान है, बाबर है राइट हैंडर्स। तो इसमें थोड़ा आपके ऊपर है कि कौन रिदम में या कम्बिनेशन के ऊपर, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो शमी की और 4 विकेट 4 बॉल पे, वो जो ये डेथ बॉलिंग का कंसर्न था वो हर्षल पटेल इसे कंसर्न, देखिए उनका एक प्रॉब्लम हुआ कि मतलब ऑस्ट्रेलियन पिचेस में उनको अगर उनका गो थ्रू बॉल यॉर्कर ही होना पड़ेगा। अगर वो सोचे कि वो स्लोअर से काम चला लेंगे सिर्फ, नहीं होगा, यॉर्कर अच्छे से नेल करना पड़ेगा। जो फिंच को उन्होंने बॉल डाला, ऐसे टाइप के बॉल्स डालने पड़ेंगे, फिर पूरा एक्यूरेसी वही रहना पड़ेगा, क्योंकि वो एक स्पेशल टाइप के बॉलर है, और ऐसे टाइप के बॉलर है कि अगर एक दिन ख़राब चला गया तो पूरा मैच दूसरा टीम जीत जाएगा, और अगर जिस दिन उनका चल गया तो हो गया। तो ऐसे गैम्बल टाइप का बॉलर भी डर लगता है। तो शमी का रहना और अर्शदीप इज़ ए कंसर्न। अर्शदीप को अच्छे से बॉलिंग करना होगा, पावर प्ले कंसिस्टेंसी में, मतलब आई एम सरप्राइज टू सी अर्शदीप, लाइक उनका जो एक डिक्लाइन छोटा सा आ गया, क्योंकि ही इज़ ए वेरी गुड बॉलर, बहुत ही अच्छे से बॉलिंग करते। तो ज़्यादा सिंपल रखना पड़ेगा, कैप्टनसी भी सिंपल रखनी पड़ेगी, प्लान्स उतना कॉम्प्लेक्स मत कीजिए, बहुत बड़ा है, बहुत एक्सपीरियंस प्लेयर्स है, एंड आई होप दैट दिस टाइम इंडिया विल परफॉर्म वेल एंड विल लर्न फ्रॉम देयर मिस्टेक्स फ्रॉम दिस गेम ऑल्सो, बिकॉज पहले 10 ओवर में बहुत रन हो गया था, बाद में उतना रन नहीं हो, डायमेंशंस बड़े हैं ग्राउंड के, और कोहली के लिए आइडियल फ्लैट प्लेस है, क्योंकि उनका जो वे ऑफ क्रिकेट है, देखिए आपके पास प्लेयर्स ऐसे हैं ना, राहुल को पेस पसंद है, रोहित को पेस पसंद है, अब कोहली सूर्या तो गैप निकाल के रन बनाते हैं, और सूर्या के लिए अगर अदर एंड में बेस्ट कोई आइडियल प्लेयर हो सके जो सूर्या के साथ खेल सके, वो विराट कोहली, और उसके बाद दिनेश कार्तिक, ये मतलब आइडल बैटिंग नहीं होता, अगर ये क्लिक कर जाता है तो और कुछ मतलब चाहिए नहीं। सो वही देखते हैं आगे, नेक्स्ट वार्म अप न्यूजीलैंड के साथ है, उसके बाद हम ब्रेक बनाएंगे। तो अभी ये चैनल में मतलब बात मतलब वीडियोस बनाने के बाद अच्छा रिस्पॉन्स भी मिलता है, और यही आप लोग जो जो भी मेरा वीडियोज़ देखते हैं, अगर आपको पसंद आ रहा है पूरा वीडियो देखिएगा ज़रूर, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो क्रिकेट एंथुजियास्ट है, जो क्रिकेट को लेकर बात करना पसंद करते हैं, अपने सुझाव दीजिए, मैं क्या क्या बदलाव ला सकता हूँ वो दीजिए, मैं थोड़ा थोड़ा ट्राई करूँगा, बिकॉज थोड़ा बिजी शेड्यूल तो मेरा भी रहता है, फिर भी ये मेरा हॉबी है, पैशन है, पैशन पूरा मतलब ओके, टॉकिंग क्रिकेट इज़ समथिंग विच इज़ वेरी मच इंटरेस्टिंग,
और वही, सो इफ यू आर लाइकिंग माई कंटेंट डू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन अगर आप नए हैं, और शेयर करते रहिए। सो दिस इज़ अर्का प्रभा साइनिंग, थैंक यू।